झूठे केस के खिलाफ ग्रामीण हुए गोलबंद, पुलिस से की गई निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को बरी करने की मांग। मामला बेंगाबाद के दिघरिया खुर्द की है। बताया जाता है बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दिघरिया खुर्द के ग्रामवासियों ने आज उसी गांव के एक उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के कुछ निर्दोष लोगों पर झूठा और मनगढ़ंत केस किए जाने के खिलाफ प्रतिवाद करते हुए स्थानीय पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्दोष लोगों को बरी करने की मांग की है। उक्त बातें भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत तरीके से और दबंगता पूर्वक यह कार्य किया गया है, जो माले कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके पूर्व माले नेता सहित गणमान्य लोगों ने पूरे गांव के लोगों से संबंधित मामले के बारे में जानकारी हासिल की, दोनों पक्षों से बात भी की। इसके बाद भी पूरी वस्तु स्थिति का पता चलने पर ग्रामीणों के साथ एक बैठक कर मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर बेंगाबाद थाना सहित जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों का एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन देने का निर्णय भी लिया गया। बताया जाता है मौके पर ग्रामीणों से बात करने के बाद वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से चल रहे एक घरेलू विवाद में केस करने वाले व्यक्ति ने पहले तो खुद ही अपने घर के कुछ लोगों के घर घुसने से मना करते हुए उन पर टांगी से हमला करना चाहा, लेकिन इससे सफल नहीं होने तथा इसी क्रम में गुस्से से जानवर बांधने के खूंटा कबाड़ने के क्रम में वह खुद से मामूली रूप से चोटिल हो गया। बताया जाता है इधर वही घायल अवस्था में बेंगाबाद थाने में जाकर के आवेदन दे दिया है। कहा कि बाद में इसे लेकर जांच के लिए गांव में पहुंचे बेंगाबाद थाना पुलिस की समक्ष भी लोगों ने अपने बयान भी दिए हैं। बावजूद इनके मनगढ़ंत कहानी जारी है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। खुर्द में केस हुआ है, बहुत गलत ही केस किया गया है। हम लोग द्वारा पता चला कि झगड़ा जब हुआ सुबह में तो टांगी अपने से उठाया था, लेकिन गलत बोल के और फंसाया गया है। अपने इसको खूंटा उखाड़ते समय इसको चोट लगा है और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि सही व्यक्ति पर कार्रवाई किया जाए और जो गलत व्यक्ति पर झूठा आरोप किया गया उसको निष्पक्ष रूप से केस संख्या को हटाया जाए। यही हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं और इस केस को अगर आगे गलत तरीके से बढ़ाया गया तो हम लोग इस पर जहां तक हो सकता है हम लोग आगे विरोध करेंगे। धन्यवाद। ये बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों यहां दिघरिया खुर्द से एक अमृत राउत नाम के एक व्यक्ति ने एक केस दायर किया है, जिसमें उसने अपने ही घर के कुछ लोगों को अभियुक्त बनाया है। यहाँ के लोगों ने हमें जानकारी दी है, हमारे संगठन की एक टीम और भी कई लोग यहाँ गणमान्य लोग आए थे। कल हम लोगों ने पूरे गांव में तहकीकात किया है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और पूरा तहकीकात के बाद जो ये बात सामने आया है कि अमृत राउत एक बहुत ही उदंड प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कल हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी उनके व्यवहार को देखा है। बहरहाल उन्होंने जो केस किया है वो केस बिल्कुल गलत है और हम इसमें अभी पूरे ग्रामीणों के इस विरोध में हम शामिल हैं, हम उनके साथ हैं। एक लाइन में हम लोगों का बेंगाबाद थाना पुलिस से आग्रह करना है कि इस तरह के केस मुकदमे जो थाने में जाते हैं कृपया उन पर निष्पक्ष जांच करें और बिना जांच के अगर कोई तरह की कार्रवाई होती है या किसी के साथ अगर बुरा बर्ताव पुलिस आकर के करती है तो यह बर्दाश्त करने से बाहर की बात है और यह गलत बात भी है। इसलिए अभी एक आवेदन बना है जिस आवेदन को हम लोग अभी थाना प्रभारी को देंगे और थाना प्रभारी के साथ साथ इस जिले के सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिले के SP और SDPO को भी हम लोग उसकी कॉपी देने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से पूरे ग्रामीणों का जो प्रतिवेदन जा रहा है निश्चित रूप से बेंगाबाद पुलिस उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां अभी लोगों ने जिस तरह से पुलिस के रवैये रुतबे के बारे में अभी जो बयान किया है, यदि वो रवैया जारी रहा तब तो फिर हम लोग जनता के साथ मिल करके किसी भी गलत कार्रवाई का और किसी भी निर्दोष को गलत केस मुकदमे में फंसाने का हम लोग हर संभव विरोध करेंगे और किसी भी तरीके से यहाँ अगर बिना छानबीन के और अगर किसी की गिरफ्तारी की अगर कोशिश होती है तो उसका भी ग्रामीण डट करके मुकाबला करेंगे, ये हम लोगों ने तय किया। तो हम आग्रह करेंगे पुलिस पदाधिकारी से भी, सीनियर पुलिस अफसर से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले को जिसका केस नंबर 175/21 है जो 10 तारीख को दर्ज हुआ है और यह मामला 9 तारीख से संबंधित है, 10 को इसका केस दर्ज किया गया थाने में, इसका निष्पक्ष जांच हो। हम बस यही आग्रह करते हैं और एक सूत्री मांग करते हैं और इसी निर्णय के साथ ही आज की यहाँ मीटिंग संपन्न हुई है। राजेश कुमार,
दिघरिया खुर्द का निवासी हूँ। अभी जो हम लोग पूरे गांव में अमृत राज के द्वारा जो बलदेव राज के विरुद्ध में मुकदमा की झूठा मुकदमा जो किया गया है उसके बारे में हम लोग तमाम ग्रामीण इकट्ठा हुए और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि यह जो आरोप लगाया गया 307 379 ये सारा झूठा है और झूठा जो दफा लगाया गया है। पुलिस से मांग करते हैं थाना प्रभारी से कि इनको जांच करके जो उचित है, जो उचित झगड़ा हुआ है, घरेलू विवाद, छोटी छोटी झगड़ा, खुट्टी उखाड़ने लेकर के वैसा ही कार्रवाई किया जाए, ना कि 307 और 379 दफा लगा करके गरीबों को जो रोज खेती बाड़ी में काम करते हैं उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और पुलिस पदाधिकारी जो आते हैं जब ग्रामीण यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ग्रामीणों के बीच में पुलिस जो आते हैं वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हम थाना प्रभारी से मांग करते हैं कि जिन आईओ को आप निरीक्षण के लिए भेजते हैं उनसे कम सचेत किया जाए कि ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए, लोगों से पूछताछ किया जाए, जिसके चलते उनका जो भाषा कड़वा भाषा रहता है लोग सच्चाई को उन सामने उजागर नहीं कर पाते हैं और प्रशासन उचित जांच करके निर्दोष को जो सो बरी करें और जो दोषी है उनको कार्रवाई किया जाए। तो लड़का लोग बोला अजय यादव जबकि हम अपना घर जा रहे हैं, जाइए काटेंगे, तब तक हम वहां पर निकल दिए कि इसको टांगा मत चलाइए, किसी को बाल बच्चा है कैसे काटिएगा, काटिए तो टांगा कौन उठाया था अमृत राव किस पर अजय पर, अजय कौन है उसका, उसका है पोता, अपना पोता पर ही अमृत राव टांगा उठाया। अच्छा आगे बोलिए। मैं राजू यादव ग्राम दिघरिया खुर्द का रहने वाला हूँ। आज हमारे गांव दिघरिया खुर्द में अमृत राउत के द्वारा तीन व्यक्ति बलदेव राउत, वृंदा देवी और अजय राउत के ऊपर सारे तरह से गलत आरोप लगाकर और थाना में केस किया गया है जो सरासर गलत है। इस गलत को देखते हुए हम लोग सारे ग्रामीण एक साथ हो करके और इस केस का सही जांच करके निर्दस्त करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और बेंगाबाद थाना प्रभारी से हम लोग ये निवेदन करते हैं कि इस केस झूठे केस मुकदमा को इस तरह के लोगों के द्वारा किया गया नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का होता है तो हम लोग सारे ग्रामीण एकजुट होकर के जितना इस लड़ाई को लड़ना पड़े हम लोग एक साथ होकर के लड़ेंगे। बंसी महतो हम है सिंगड़िया खुर्द में जो केस किया है झूठ मूठ का केस किया है, बाल्टी रात को जो है से गलत ढंग से फंसाया गया है, इस ढंग से केस नहीं चाहिए। आज गरीबों को कमाने खाने वाला मजदूर। नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर बने रहे बीएनबी से, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।